भाभी मतलब एक्चुअली मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं उसे श्रद्धा को भाभी बुलाऊं या ननद बुलाऊं, और ये हो रहा है कि हाँ शायद मैं उसको भाभी भी बुला सकती हूँ, पर ननद भी वो बहुत अच्छी है और दोनों का ही कैरेक्टर वो बहुत अच्छे से निभा पाएगी आई थिंक सो। तो बस यही खुशी हो रही है कि मेरे भाई के साथ एक परफेक्ट मैच मिल गया है मुझे। इस ड्रेस के बारे में बताइए, किस टाइप का डिजाइन है? इस ड्रेस के बारे में मैं क्या बताऊँ कि ये एक्चुअली बहुत लाइट है और मैंने लाइट ही पहनना चूज़ किया क्योंकि मुझे अपने बालों पे और अपने मेकअप पे वर्क करना ज़्यादा अच्छा लगता है, और जैसे कि गर्मी आप देख रहे हैं तो उस गर्मी के हिसाब से आई थिंक ये परफेक्ट था मेरे लिए। तो हम सब ने एक्चुअली बहुत ओवर डू नहीं किया है हमारे ड्रेस में और हेयर मेकअप में भी, तो बस ऐसे ही जैसे शादी में होना चाहिए, बहुत लाइट मतलब लाइट भी नहीं पर इतना ओवर डन भी नहीं होना चाहिए। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है इस धूम की, अभी बारात आएगी उसमें दूल्हा भी नाचेगा और दूल्हे के साथ साथ सब लोग नाचने वाले हैं, तो सबकी बैंड बजने वाली है। आप कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना एक्साइटेड हैं? एंजॉय तो बहुत कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कंपनी हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी है और यू नो एक्टर्स के साथ और पूरी टीम के साथ बहुत मज़ा आता है, तो बहुत टाइम पास होता है, तो लगता नहीं है कि टाइम कहाँ चला जाता है। ये एक इंडियन वेडिंग का ये होता है कि यू नो गजरे लगाते हैं तो और ज़्यादा लड़कियाँ निखरती है, और ये आज का हमारा थीम है कि यू नो जितनी भी घर की जितनी भी गर्ल्स है और लेडीज है सबके सिर पे कोई ना कोई तरह का फूल रहेगा जिससे निखार बढ़ता है चेहरे का। कितना होने वाला, श्रद्धा भी आपके साथ रहेगी और आप भी रहेंगे, तो कितना मतलब कुछ होने वाला? अब तो बहुत ज्यादा मस्ती होने वाली है। हाँ मैं उसे मिस भी करने वाली हूँ अपने घर में क्योंकि मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड मेरे भाई के पास चली जाएगी, लेकिन जब मैं अपने मायके जाऊंगी तो वो दोस्त मुझे वापस मिल जाएगी और उसके साथ टाइम स्पेंड करना और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। कितना अलग होता है, कितना डिफरेंस होता है, कितना चैलेंजिंग होता है जब एक ही मतलब साथी और ऐसा हो जाए और रिलेशन में आ जाए? बहुत एक्चुअली सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, अगर बहुत अच्छा रहे तो यू नो लगता ही नहीं है कि एक ही इंसान के साथ दो रिलेशंस है, और कभी कभी ऐसा लगता है अगर कुछ कुछ बुरे टाइम में कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि नहीं एक ही तरह का रिलेशन होना बेहतर होता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो मेरे और श्रद्धा के बीच में कभी भी ये प्रॉब्लम आएगी। थैंक यू सो मच। लड़के की बहन लड़की की बहन से कैसे होता है? तो मैं बता दूं कि श्रद्धा से पूरे एक साल से उन्होंने आपका काम किया है, उसका एटलीस्ट 50% या तो मुझे और आनंद को एक हनीमून से यहाँ पर भी पानों में दिभागा देगा इधर को।
जब पोज ले लो जैसे हम बात कर रहे हैं। अरे पानी पिला पानी हो बैंड वाले। अच्छा, सोया हुआ था।